गन्नौर के बीजेपी नेता देवेंद्र काद्या ने गुरुवार को नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कुश्ती में गोल्ड मेडल लेकर लौटे पहलवान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल में 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गन्नौर के पहलवान लोकेश ने कुश्ती के 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया। इस मौके पर गन्नौर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी नेता देवेंद्र काद्यान ने भी विजेता पहलवान लोकेश का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देवेंद्र काद्यान ने जीत की बधाई दी। लोकेश के मेडल जीतने से गन्नौर वासियों में खुशी का माहौल है। इस दौरान ट्रैक्टर में रोड शो कर उनके पैतृक गांव तक ले जाया गया। बीजेपी नेता देवेंद्र काद्यान ने भी ट्रैक्टर में सवार होकर खिलाड़ी की खूब हौसला अफजाई की। मोटिवेशन मिलता है इस तरह से, अगर कोई सम्मानित करता है खिलाड़ी, कितना उत्साह बढ़ता है? बहुत बढ़ता है, इसलिए और होगा ही, बहुत अच्छा बढ़ता है। बीजेपी नेता देवेंद्र काद्यान ने कहा कि आज हरियाणा सरकार ने खेलों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है। आज खिलाड़ियों के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं। यही वजह है कि आज हरियाणा खेलों में निरंतर आगे बढ़ रहा है और खिलाड़ी देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। देवेंद्र काद्यान ने इस मौके पर विजेता पहलवान मुकेश को जीत की बधाई दी और कहा कि ये पूरे इलाके के लिए बेहद खुशी की बात है कि लोकेश ने गोल्ड मेडल जीत कर इलाके का नाम रोशन किया। देवेंद्र काद्यान ने कहा कि आज हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सुविधा दी है। हमारा छोटा भाई लोकेश, मैं समझता हूँ ना केवल अपने गांव का, ना अपने परिवार माँ बाप का, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 60 किलो वर्ग में इसने नेपाल से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इससे ना केवल इसका सीना छोड़ा हुआ है, हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे सारे युवा साथियों का हुआ है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार ने जो खिलाड़ियों को जो सुविधाएँ दी है, जो एक वातावरण दिया है, माहौल दिया है, उसके बदौलत आज हमारे युवा खूब हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पहलवान लोकेश ने कुश्ती में 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं देशवासियों ने लोकेश को हाथों हाथ लेकर ये जता दिया है कि देश हमेशा अपने माटी के लालों के साथ है। जो देश का सिर ऊंचा करेगा उसको उसी दर्जे का मान सम्मान मिलेगा। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।